हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हीनस व्लॉग्स। एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो गाइस, आज का सीन ये है, आज मुझे जाना है हीना के घर, क्योंकि लास्ट वीक से वो काफ़ी परेशान है। बहुत ज़्यादा उनका बुरा गया है पिछला हफ्ता, इस वजह से वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी है। तो हमने सोचा है आज उनको उनके घर भेज देते हैं, बाकी एक हफ्ते बाद मैं ले आऊँगा फिर से। तो गाइस, अभी सुबह सुबह हो रही है और हमारी अम्मी काम में लग चुकी हैं, ये प्याज काट रही हैं। क्या बनेगा अम्मी आज? कोरमा? हाँ। बकरे का? हाँ, बकरे का कोरमा और बिरयानी बनेगी आज, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हीना के घर पे। और हीना ने बोला था बिरयानी खानी है ना। हाँ, तो मैंने कहा बिरयानी भी बना दो। हाँ, तो दोनों चीज आज हम भी बनाएंगे। प्याज कट रही है और साथ ही साथ में हमारी अम्मी कपड़े भी धो रही हैं। ये यहाँ पे कपड़े भी धुल रहे हैं और साथ ही साथ काम भी कर रही हैं अम्मी। देखिए ना, ये चावल सही है क्या? और लाएगा? कम लग रहा है अम्मी, वैसे आधा किलो तो है ये। आधा किलो मैं सोच रही हूं ये बना लूं। हां, कहीं ऐसा ना खेल हो जाए बिरयानी का। हाँ, ये तो फिर जाओ और लिया थोड़े सारे जा। ठीक है, इसमें भी लगे मगर देख लो। ठीक है, थोड़े से चावल ले जाऊंगे। हाँ ले जा, थोड़े ले जा, मैं दे रही हूँ पूरे। ओके, क्या हो गया अम्मी? अम्मी का पर्स खो चुका है गाइस, और अम्मी काफी टेंशन में है। देखो यहीं कहीं होगा। नहीं मिला तो मैं क्या करूँ? सोने में लग रही हूँ। सुला लो, जाओ। कितने रुपए थे भाई? 600-700 रुपए। 600-700 रुपए उसमें? और क्या, 600-700 रुपए थोड़े ना, 600-700 रुपए मिल जाएगा यहीं कहीं। हाँ, कहीं रख दिया इसमें। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी चावल लेने। इसमें क्या चावल है? कितने रुपए किलो है? 60 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? वही तो 80 का। अरे अम्मी, नमक के लिए जरूरी थोड़ी ना है। भूल गया ना, लाया नहीं क्या? भूल गया यार, जले क्या अभी? अरे सीधे मत, चौदह मंगवाया था, भूल गए। एक नमक की थैली सिर्फ और एक चावल मंगाया तो जले क्या? नमक की जरूरत? तो गाइस, मैं आ गया हूँ चावल लेकर के। हालत खराब हो गई है पसीने में, लेकिन मैं नमक की थैलियाँ भूल गया, फिर जाना पड़ेगा। बन गया अम्मी? हाँ, बन गया। रेसिपी बताते मगर हम टेंशन इतनी हो गई पैसे खोते। तो अम्मी का पर्स में पूरे 800 रुपए थे अम्मी, और खुले पैसे लगते। होता है, किसने फेंक दिया तुम्हारा पर्स? करीना ने। तो कैसे रख दिया था? अरे कल मैं गई थी ना बाहर, भीग गई थी बारिश में। बारिश में भीग गई थी, आगे से चला खाली करा तो उसने निकाल ली पोलो थी। अब पता रख दिया, इसने कूड़े में भर दिया, क्या जाना। अब बता, 700-800 रुपए इसके अंदर। कोई बात ना, 700-800 रुपए तो 700-800 रुपए इस टाइम पे बहुत है। 7-8 बराबर है, 7-8 टेंशन मतलब मुझसे ले ले यार, 7-8 बच्चे तो वो भी तो तुम्हारे ही हैं और वो भी तुम्हारे ही हैं, मतलब कहीं अलग से मिल जाए तो एक अलग बात है। हाँ, ऐसा समझ लो ना, अलग से मिल गया मैं दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? हाँ, टेंशन कोई हट जाएगी। बताओ, कोरमे की रेसिपी दिखाती तब इनको सुनाएंगे। चलो छोड़ो। तो गाइस, ये रही, ये अभी अभी सो के उठी हैं और टाइम पूरे 1:30 बज रहा है, अभी सो के उठी हैं। और क्या, अभी अभी सो के उठी हो तो जल्दी आओ खाना खा लो। गाइस, खाना बन चुका है। ये रही बिरयानी, ये रही बिरयानी, ये रही बिरयानी, ये रही कल की टिक्की, जरा साग आलू। कैसी है बिरयानी? बहुत बढ़िया। मास्टर कैसी लग रही? और हमारी अम्मी अभी तक कपड़े धो रही हैं, उन्होंने बिरयानी बना दी कपड़े धोते धोते। खाना खा लिया अम्मी? हाँ। अभी क्या कर रहे हैं? ये इसके खो भर रहे हैं, करीना के जंपर के साइड वाले। क्या वो फिर लिया है तो कैमरा? हाँ। आई, आपकी मशीन कौन से जमाने की?
ये मेरे दहेज की है। दहेज की मशीन है और क्या। ओहो हाथ की मशीनों को फेल कर रहा है, तुझे पता कितनी बढ़िया चलती है। देख कितनी बढ़िया चल रही है, आवाज कर रही थोड़ी सी। बहुत देर हो गया ना हाथ वाली। कितने साल हो गए? बहुत टाइम हो गया मैंने दहेज की। तो आज देख सकते हैं हमारी अम्मी की दहेज की मशीन है, काफी पुरानी है लेकिन अभी तक इससे काम चलाया जा रहा है। आपके मशीन है चार बेकार है इसके सामने अच्छा। हाँ वैसे है ये मजबूत पुरानी चीज है, पुराने लोया है, पुरानी चीज तो बढ़िया ही होती है। टैलेंटेड है हमारी अम्मी। आप अम्मी बस यही है, अभी अम्मी ने बिरयानी बनाई है, कोरमा बनाया, कपड़े भी धो दिए सारे और अभी इसमें लग गए काम करने में। पिछला हफ्ता इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, काफ़ी परेशान थे तो इन्होंने सोचा है अपने घर जा रही हैं एक हफ्ते के लिए, वहाँ थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करके आएंगे ना। यहाँ तो हो नहीं रहा इनका। नहीं यहाँ पे भी हो रहा है। तो घर क्यों जा रही हो? ऐसी अम्मी ने बोला था आने के लिए, फिर नहीं जाऊँगी। अब मेरा मन नहीं करता घर जाने का। अब इनका मन नहीं करता अपने घर जाने का, ये रहने का मन करता है इनका ना। वाकई में नहीं करता मेरा मन। अच्छी बात है ना, वैसे भी तो मैं यही रहना सारी जिंदगी। वहाँ पे मैं बोर हो जाती हूँ अगर वहाँ पे अंशु या रूबी ना हो तो। बस नेहा होती है इनके घर में, अम्मी होती है, जूही जॉब पे जाती है। हाँ जूही जॉब पे जाती है। तो ये कई दिन बाद जा रही है तो देखते हैं। अम्मी काम होगा सारे? हाँ आज तो बड़े काम कर रहे हैं। दो बिरयानी भी बनाई, कोरमा भी बनाया, उसके बाद में कपड़े। तुम चले जाते हो बिरयानी बना दे तो तुम कैसे देख लो मेरे पीछे बना रही हो। सही बात है, सही बात है, इसलिए उनके अलावा बिरयानी बना लो। और अभी काम कर रही है अम्मी और मैं जा रही हूँ, कितनी गलत बात है, कोई बात नहीं, इसके बाद आप घूमोगे ठीक है, आप पूरे टाइम घूमोगे। हाँ जल्दी जाना, मैं चलो तुम भी जा रहे हैं ठीक है। हाँ जा। अपनी अम्मी को सलाम कह दियो, पूछो मेरी तरफ से है ना। तो गाइस अभी हम हैं सिग्नेचर ब्रिज पे, काफी पब्लिक आती है अब शाम के टाइम पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम ख़राब किया लेकिन वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि अनकम्फर्टेबल हो रही है बहुत ज़्यादा और पब्लिक भी यहाँ पे काफ़ी है, बहुत ज़्यादा पब्लिक है ना। शांति की बढ़िया है क्या? ऐसे ही फ्लावर रहता है क्या हमेशा? फ्लावर नहीं है पागल, ये भी आया ना सामान। नेहा कोई काम नहीं करती यार, किचन देखो कितना गंदा है। किचन साफ है, पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत साफ है। देखना कितने बर्तन पड़े, ये अभी के बर्तन है यार। ये देखो तुम्हारे भगोने कितने गंदे हो रहे हैं, देखो देखना ये। रुको एक मिनट अभी दिखाना, कोई काम नहीं करती यार। ये देखो एक लाइट काम, ये देखो देखना है चाय गिरी हुई है, देखो कितनी बहुत चाय गिरी हुई है। तो ये देखो ना लाइट तो अच्छी है ना हमारे घर की है ना। हाँ ठीक ठाक है लेकिन फैलावा बहुत है तुम्हारे घर में, कोई काम नहीं करती यार नेहा, बिल्कुल फैलावा। देखना कैसे पर्स बिखेर रखे, क्या लाइटिंग है यहाँ पे, कितनी अच्छी वीडियो बन सकती है। देखो अगर चाहो तो हमें बना सकते हो। कहीं भी नहीं, शीशा देखो कितना गंदा, शीशा सब का ऐसे ही हो जाता है। देखना कितना गंदा शीशा है वो, कोई काम नहीं करती नहीं। नहीं आपको क्या बदनाम कर रहा है बेचारे, अकेले क्या क्या कर। देखना एक रुपया का लग रहा है, ये अर्शु का है बिल्कुल अकल नहीं है। कपड़े धो लिए,
आज कितने सालों में कपड़े धोए इतने बहुत सारे। एक हफ्ते में धुलता है हमारे कपड़े, कितने सालों में धोए? एक साल में एक बार। ये मेंढक क्यों बनी है? क्या हुआ? इसको वहाँ बिठा। किसकी हेडक? क्या काम कर रहा हूँ अभी? अगर ये गिर गया मेरा, मम्मी क्यों बनाएगी? अरे मम्मी का बनाती है, मम्मी का बनाती है। मेरे घर में ना, मेरे घर में ना बस मेरी मम्मी है जो मेरे से प्यार करती है बस। और पापा नहीं करते? नहीं, मेरी मम्मी ऐसे प्यार करती है। सुबह तो मैं तो सुबह दो जूता, शाम को दो जूता। नहीं गाइस फ्रेंड्स, मेरी मम्मी हां मां ये भी हां मैं तो हमारी खाना बीच में आओ इधर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आपकी दुआ से अब मैं भी अच्छी हूँ। तो काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आपको क्या हुआ, आप इतने अल्ट्रासाउंड क्यों करवा रहे हो? तो मैं वही बता रही हूँ, आज मेरे को मतलब शादी के बाद मतलब मुझे बेबी चाहिए था, पर मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कुछ टेस्ट करवाए तो उसमें मुझे पता चला कि मुझे PCOS है, PCOD भी कहते हैं उसे। वो उसमें मतलब थोड़ा हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से बेबी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो आप लोग देख रहे होंगे ब्लॉग में मैं कितनी दवाइयाँ खा रही थी, तो वो उस चीज़ के लिए ही थी। और फिर उसके बाद में जैसी वो दवाइयाँ ख़त्म हुई, मतलब जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा PCOD अब ठीक हो गया है। एक महीने तक सब सही चलता रहा, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड जब करवाया तो उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड में देखना है कि बच्चे की हार्ट बीट है या नहीं है। तो अल्लाह की शुक्र से उसमें बच्चे की हार्ट बीट भी थी और काफ़ी अच्छी थी, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन वगैरह लगाओ, तो अल्लाह से दुआ करो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ बढ़ती गई, एक हफ्ते में वो ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर उन्होंने मेरा दोबारा अल्ट्रासाउंड के लिए बोला कि आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करो, अगर बच्चे की ग्रोथ हो रही होगी और हार्ट बीट सही होगी तो फिर हम इंजेक्शन कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उस दिन मतलब मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने अल्ट्रासाउंड के लिए गए, तो अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट नहीं थी। वो मतलब पहले अल्ट्रासाउंड के 3 दिन बाद ही रुक गई थी। तो मतलब वो दिन मेरे लिए बहुत ही गंदा, मतलब बोलते ना बहुत ही गंदा था। अल्लाह किसी को ऐसा दिन ना दिखाए, मतलब मेरे दुश्मन भी हो उसको भी ऐसा दिन ना दिखाए। और अब मतलब बेबी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप मोटे हो गए हो क्यों, मतलब तो उसका रीज़न भी यही था जो मेरी PCOD थी। PCOD की वजह से मतलब मेरा वेट थोड़ा बढ़ता जा रहा था। तो ये था प्रॉब्लम जो मतलब इतने दिन से चलता आ रहा था और मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी, मुझे अजीब लगता था। पर आप सब इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो मैंने सोचा कि आपको भी पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थोड़ा सा मतलब सोचती हूँ तो बुरा लगता है। 2-3 दिन तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी, मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब सबने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी अम्मी ने, सबने सपोर्ट किया। और अब मतलब धीरे धीरे मतलब हाँ, भूलना मुश्किल है, बहुत मतलब बड़ी चीज़ होती है। तो यही था रीज़न कि हम अपडेट भी नहीं कर पा रहे थे और हम ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना पा रहे थे, और मतलब मेरे अल्ट्रासाउंड वगैरह भी इस वजह से ही हो रहे थे। तो आप लोग भी दुआ करें कि सब कुछ सही हो जाए। तो
बस यही था। जो भी होगा मैं शेयर करूंगी और ब्लॉग भी अब जल्दी बनाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय।